आपने अभी तक देवी देवताओं की पूजा के बारे में देखा और सुना होगा, लेकिन आज हम आपको लेकर चलेंगे ऐसी जगह जहां होती है चुड़ैल माँ की पूजा। यकीन नहीं होता ना, तो चलिए हमारे साथ गुजरात के पाटन और कीजिए देवी के इस रूप के दर्शन, जो करती है सिर्फ 5 रविवार में हर मुराद पूरी और दिलाती है अदालतों के चक्कर से मुक्ति। एक अदालत जहां जज है चुड़ैल माँ, जहां मिलता है भक्तों को न्याय, जहां नहीं होता किसी के साथ अन्याय और जिसे पुकारा जाता है हाई कोर्ट ऑफ कुलखेल। नाम अजीबोगरीब जरूर है, डराता है और सवाल भी खड़े करता है कि आखिर ये कैसी माँ है और भक्त क्यों पूछते हैं चुड़ैल को। तो हम आपको बता दें कि इस मंदिर में वाकई चुड़ैल की ही पूजा होती है। पूजा ही नहीं होती बल्कि इंसाफ की फरियाद भी लगाई जाती है। चाहे कोई दुख हो या फिर हो कोई शिकायत, माँ के दरबार में भक्त आकर लगाते हैं अपनी अर्जी और फिर माँ सुनाती है अपना फैसला। कहते हैं माँ के इंसाफ के तराजू से कभी कोई बच नहीं सका। यहाँ चोरी करने वाले को सजा मिलती है, झगड़े के दोषी को उसकी गलती का एहसास होता है। अगर कोई भक्त हेराफेरी का शिकार हुआ हो तो उसे भी यहाँ आकर इंसाफ मिलता है। कहते हैं चुड़ैल माँ के मंदिर में आने के बाद किसी और अदालत का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं रह जाती। यही वजह है कि इस मंदिर को हाईकोर्ट ऑफ कुनखेर के नाम से भी जाना जाता है। मैं यहाँ कई 3 साल से आ रही हूँ। अगले साल मेरे पति को डेंगू हुआ था तो उसका लोहिका रिपोर्ट अच्छी तरह से आ नहीं रहा था, तब मैंने यहाँ की माता रखी थी और उनका रिपोर्ट तुरंत ही दूसरे दिन अच्छा हो गया था। और अब मैं यहाँ इसलिए आ रही हूँ कि पहले मेरी बहन को 5 साल से कोई बच्चा नहीं था और मैंने उसकी माता रखी थी और अब उसकी 2 साल की लड़की भी है। गुजरात के पाटन जिले के कुनखेर में माँ चुड़ैल का ये चमत्कारी मंदिर बना हुआ है और क्यों पूजा जाने लगा, अब इसकी कहानी भी जान लीजिए। कहते हैं बहुत पहले बनासकांठा के एक गांव की महिला के शरीर में एक चुड़ैल घुस गई थी। तब किसी फकीर के कहने पर इसी स्थान पर चुड़ैल को शरीर से निकाल कर दिए के रूप में स्थापित किया गया। कहते हैं ये दिया लगातार जलता रहा। एक दिन किसी भक्त का सामान चोरी हो गया तो वो इसे सिद्ध स्थान समझकर यहाँ बैठकर गुहार लगाने लगा। कहते हैं कुछ ही दिन में चोर सामान वापस लौट आ गया, तभी से गांव वालों ने चुड़ैल माँ को पूछना शुरू कर दिया। मैं 2 महीने पहले मानता रखी थी चुड़ैल माँ की कि मेरा मकान बन जाएगा तो माँ मैं तेरा दर्शन करने के लिए मैं यहाँ हाईकोर्ट ऑफ दी कुंभे में आऊंगा और मेरे चुड़ैल माँ ने मेरी मान्यता पूरी कर दी है, मेरी मनन पूरी कर दी है। आमतौर पर भूत प्रेत और चुड़ैल का नाम सुनते ही एक खौफ सा मन में घर कर जाता है, लेकिन इस मंदिर में माँ के दर्शन से ये डर तो दूर होता ही है, साथ ही सुकून और शांति का भी एहसास होता है। कामिनी आचार्य, पाटन, आज तक। पाटन की चुड़ैल माँ को भक्त जज नाम से भी पुकारते हैं। खास बात यह है कि माँ के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ जलती है बस एक जोत और इसके आगे जिसने सर झुका लिया 5 रविवार के भीतर उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। माँ के दरबार में जल रही ये जोत भक्तों के दिलों में जगा देती है विश्वास, निराश मन में फूट पड़ती है रोशनी की किरण, जिंदगी में यकीन होने लगता है, खुशियों से मन सरपट दौड़ने लगता है। चुड़ैल माँ का चमत्कार, 5 रविवार में पूरी होगी हर मुराद। यहाँ पूजा भले ही चुड़ैल की होती हो लेकिन भक्त पूरी श्रद्धा और यकीन से मानते हैं इन्हें माँ। कहीं कोई डर नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई चिंता नहीं। भक्त यहाँ आते हैं और माँ के सामने आंख बंद कर अपनी चिंता से मुक्त हो जाते हैं। माँ भी अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती, लेकिन इसके लिए जलाना होता है भक्तों को दिया। कहते हैं
दिया जलाने से माँ प्रसन्न हो जाती है और फिर अपने आशीर्वाद से भक्तों को निहाल कर देती है। कहते हैं पांच रविवार के भीतर पूजा का फल भी मिल जाता है। यहाँ पे जो चुड़ैल माता का मंदिर है उसका बहुत ही प्रचलित है। अगर तुम यहाँ पे कोई भी मन्नत रखते हो और पांच संडे पूरे करते हो तो तुम्हारी मनोकामना पूरी होती है ऐसा सुना है। इसीलिए इस बार मैं आई हूँ यहाँ पे, ये मेरा तीसरा संडे है। मैंने भी मन्नत रखी है और मैं भी पूरा भरोसा है कि मेरी भी ये मन्नत पूरी होगी। मंदिर में नहीं है कोई मूर्ति, ज्योत में दर्शन देती है माँ चुड़ैल। मंदिर में माँ की ना तो कोई मूर्ति है और ना ही तस्वीर, बस यहाँ जलती है माँ की ज्योत। यही नहीं, यहाँ पुजारी भी नहीं रखे जाते, यानी माँ और भक्त के बीच सीधे संवाद होता है। कोई नया मकान खरीदने की इच्छा लेकर आता है तो कोई नौकरी की चाहत लेकर आता है, किसी को बीमारी से छुटकारा चाहिए तो कोई संतान की खुशियों से वंचित होता है। चुड़ैल माँ के मंदिर में माँ बिना कहे ही भक्तों की इच्छा समझ लेती है। मैं यहाँ एक ही हफ्ते में सबके लिए आई थी सबके साथ, लेकिन मैंने मनोमन रखा कि मेरा मकान दिख जाएगा तो मैं यहाँ पे एक ज्योत लगाऊंगी। तो मैंने ज्योत लगाई और दूसरे हफ्ते में ही मेरा मकान भी बिक गया और मेरे को प्लॉट भी मिल गया। तो मैंने यहाँ एक ही वीक में दो बांधता रखी और मैंने दो ही बार ज्योत लगाई। मैं ऐसा चाहती हूँ कि दूर दूर से भी यहाँ आए और सभी माता में मन लगा के अपनी इच्छा पूरी। माँ करती है हर इच्छा पूरी, चुनरी चूड़ी का चढ़ाते हैं प्रसाद। इच्छा पूरी होने पर भक्त यहाँ आकर माँ का धन्यवाद करते हैं और उन्हें नारियल चुनरी चूड़ियाँ और पेड़े का प्रसाद चढ़ाते हैं। चुड़ैल माँ के दरबार में टंगी चुनरी और चूड़ियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ आने के बाद किसी की भी झोली खाली नहीं रहती। माँ की यही चमत्कार इस मंदिर को दूसरे मंदिरों से कुछ विशेष स्थान दिलाते हैं। खास बात ये है कि इस मंदिर में सिर्फ रविवार को ही माँ की पूजा की जा सकती है। गुजरात के एक छोटे से गांव कुंभेर में बने होने के बाद भी चुड़ैल माँ के इस मंदिर की प्रसिद्धि देश और विदेश की सीमाओं को लांग गई है। यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं और मनचाहा आशीर्वाद लेकर जाते हैं। कामिनी आचार्य, पाटन, आज तक। माँ का हर रूप समेटे हुए है कई तरह के रहस्य, चमत्कार और महिमा की कहानियां। झारखंड के धनबाद को ही ले लीजिए, यहाँ जंजीरों में जकड़ी हुई माँ भक्तों का कल्याण करती हैं। क्यों कैद में विराजती हैं यहाँ माँ काली, आइए आपको बताते हैं। बीस साल से कैद है माँ। जंजीरों में जकड़ी हुई है माँ। फिर भी भक्तों पर कृपा बरसाती है माँ। यूं तो भगवान के कई नाम और रूप होते हैं, लेकिन धनबाद के गोविंदपुर में इस मंदिर की बात अनोखी है, जिसे सुनकर आपको पहली बार शायद यकीन ही ना हो। लेकिन आस्था और भक्ति के संसार में ऐसी कई मान्यताएं हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे। उन्हीं में से एक है गोविंदपुर का ये काली मंदिर। माँ काली के इस रूप को ध्यान से देखिए, यहाँ माँ काली आपको जंजीरों में जकड़ी नजर आएंगी, बंधन में नजर आएंगी। लेकिन इसके पीछे भक्तों का जो तर्क है वो बेहद चौंकाने वाला है। भक्तों का मानना है कि इस पूरे इलाके में कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, इससे बचने के लिए माँ काली को कैद में रखा गया है। लेकिन कैद में होने के बावजूद माँ यहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालुओं की हर मुरादें पूरी करती है। काली माँ के इस रूप के पीछे एक पौराणिक कहानी भी है,
कहते हैं आज से कई साल पहले एक भक्त के सपने में माँ काली आई और उन्होंने खुद को इस घर में स्थापित करने का आदेश दिया। तभी से माँ की प्रतिमा यहाँ स्थापित है। माँ में अटूट आस्था के कारण घर को मंदिर के समान पूजा जाने लगा है। माँ को इसलिए जड़ी बनाया गया जो शांति के लिए बनाया गया माँ को, और यहाँ तो सबका घर में माँ है और सब माँ एक जैसे नहीं होते हैं। तरह तरह माँ का पास यदि कोई बालक आ जाए, माँ गुस्से में हो तो कुछ न कुछ होनी हो जाए। माँ भले ही मंदिर में ना रहकर घर में विराजती हूँ, लेकिन इनके चमत्कार की सैकड़ों कहानियाँ आसपास के कई इलाकों में सुनाई देती है। 8 साल पहले हम माँ चुके थे, यहाँ का बहुत ऐसा हुआ हमारे साथ में कि बहुत हम लोग ये रहते थे, हमारी 4 लड़की थी तो उन्हीं का दिया हुआ है, माँ का बेटा हमारे बहुत फायदा हुआ। मैं जब मैं मैट्रिक किया तो मैं यहाँ का नाम सुना, यहाँ पे आने के लिए सोच रहा था, तब मेरा बहुत बाधा हमको लग रहा था, बहुत बाधा लग रहा था। तो हम किसी तरह माँ का नाम से किसी तरह मन में रखे हुए थे, और जब मैं इंटर किया ITI करने के बाद जब यहाँ मैं पहुँचा तो माँ को बोला कि माँ हम ITI करना चाह रहे हैं, माँ हम कुछ बनना चाह रहे हैं, कुछ हमको रास्ता दीजिए। तो यहाँ एक दिन आए, माँ के पास इतना सरल नहीं है, बोले कि माँ अगर हमको नहीं मिला तो माथा अपना झुका देंगे और हम उठेंगे नहीं, आप जब दीजिएगा तभी उठाएंगे हम। तो माँ के पास आए तो आज हम एक ITI कर लिए, ITI करने के बाद माँ के पास आए अपना स्थिति के लिए, कुछ जॉब के लिए आए, और माँ हमको लग रहा है कि माँ हमको जब हम सब कहते हैं माँ भक्तों को हर कष्ट से राहत ही नहीं दिलाती बल्कि सोया भाग्य भी जगा देती है। माँ के आशीर्वाद से बिगड़े काम बन जाते हैं और सफलता के रास्ते की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ के चमत्कारों की कहानी लंबी है और महिमा अनंत। बस इतना समझ लीजिए कि माँ के इस द्वार पर एक बार जो आ गया वो फिर कहीं और नहीं जाता। कन्हैया लाल, धनबाद, आज तक। चंबा के पोलहानी में माँ काली पहाड़ों के बीच खुले आसमान के नीचे विराजती हैं। माँ का यह मंदिर बेहद अनूठा है क्योंकि मान्यता है कि चूड़ियां और त्रिशूल चढ़ाने भर से महाकाली का आशीर्वाद पाया जा सकता है। चूड़ियों का चढ़ता है चढ़ावा। त्रिशूल से पूरी होती है हर कामना। अम्बे तू है जगदम्बे काली, खुले आसमान में विराजती है माँ काली। तेरे ही गुण गाए भारती, करती है भक्तों का कल्याण। तू है जगदम्बे, आस्था भरी आंखों और कामना भरे मन के साथ माँ काली के दर्शन के लिए बढ़ते हैं भक्तों के कदम। माँ काली का ये वो धाम जिनके दर्शन मात्र से प्राप्त होता है समस्त देवों की पूजा का फल। पहाड़ी रास्तों से होकर करीब 4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर माँ की भक्ति में लीन जयकारे लगाते हुए ये भक्त शक्ति की उस विशाल प्रतिमा का दर्शन पूजन करने पहुँचते हैं जहाँ दूर होते हैं उनके समस्त कष्ट। दानव तल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। कहते हैं 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पोलहानी में माता के दरबार में भक्त त्रिशूल चढ़ाकर माँ काली तक पहुंचाते हैं अपनी फरियाद। इस पूरे इलाके में माँ की महिमा का अंदाजा माँ के आसपास चढ़ाए गए इन त्रिशूलों को देखकर ही लगाया जा सकता है। ये वही शिला है जहाँ से माता पोलहानी जी त्रिशूल के रूप में सदियों पहले प्रकट हुई थी।
और ये जो फटी हुई दरार देख रहे हैं आप शिला की, इसी में से माता जी एक त्रिशूल के रूप में निकली थी। अतः ये माता का प्रकट स्थान है जहाँ से माता कुल्हानी जी एक महाकाली के रूप में यहाँ से प्रकट हुए। कोल्हानी में माँ काली एक कन्या के रूप में एक पत्थर से प्रकट हुई थी। यहाँ आज भी वो पत्थर मौजूद है जहाँ सुहागिन महिलाएं चूड़ियां चढ़ाकर अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं और माँ काली से सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद मांगती हैं। चढ़ाई हुई चूड़ियां जो है ये देख रहे हैं, ये माता को चढ़ाई हुई वही चूड़ियां हैं जो सुहागिन अपने सुहाग की लंबी उम्र लंबी आयु के लिए माता को यहाँ पर आकर चूड़ियां चढ़ाती हैं। इस माता उनकी सुहाग की लंबी आयु प्रदान करती है। माँ काली की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, भक्तों को सुख समृद्धि और शांति मिलती है। यही वजह है कि माँ के दरबार में दूर दूर से भक्त आते हैं, माँ की महिमा गाते हैं और झोली में खुशियाँ भरकर घर ले जाते हैं। विशाल आनंद, चंबा, आज तक।